हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक माय माई नेमरा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम करने वाले एक नया चैप्टर क्लास नाइन्थ के लिए दैट इज नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर वन ओके नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर बच्चों बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है आपको बस एक कंसेप्ट बनाना है नंबर्स के बारे में ठीक है नेचुरल नंबर्स हॉल नंबर्स इंटीजर्स रेशनल नंबर्स इेशनल नंबर्स किस तरह हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे और मैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही सिंपल बनाने वाला हूँ तो हेडिंग लगाएंगे आएंगे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर रखा है जिनको देखना है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, ठीक है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको वहां से जाकर चैप्टर नंबर टू देख ले, ठीक है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए नोट्स बनाना शुरू कीजिए क्या कुछ बोल रहे हो क्या निकाल भी लिए वाह वेरी गुड चलो बहुत अच्छी बात है चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है नंबर्स के बारे में तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे नेचुरल नंबर्स ये सारा चीज आपने पढ़ रखा है तो फिर से एक रिवीजन हो जाएगा आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे आज का लेक्चर आज का लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जैसा रखेंगे थोड़ा थोड़ा भाई बात आपको बता दूंगा नंबर सिस्टम के बारे में नंबर्स के बारे में थोड़ा कंसेप्ट दे दूंगा आपको रिवीजन हो जाएगा एक तरह से आपका और जिनको ये सब पता है उन्हें देखने का वीडियो ज़रूरत नहीं है वो वेट करेंगे लेक्चर नंबर टू ठीक है इसका इसी का लेक्चर नंबर टू देखेंगे वो जाकर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स तो लिखेंगे बच्चों ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स अब देखिए काउंटिंग नंबर्स में क्या क्या आते हैं फॉर एग्जांपल काउंटिंग नंबर्स जैसे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ठीक है ना दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स तो यहां पे आपको जो पॉइंट याद रखना है आपको जो पॉइंट याद रखना है पॉइंट नंबर वन ठीक है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यू कैन सी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन है नेचुरल नंबर बोलते हैं सारे काउंटिंग नंबर को ठीक है वन से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा ठीक है ये कभी रुकेगा नहीं नंबर आपसे पूछा जाए वट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो देखो आपको पता ही नहीं है ग्रेटेस्ट क्या बोलोगे आप ये इन्फिनिटी तक जाता है ठीक तो है तो अनगिनत नंबर्स हैं हमारे पास सो स्मॉलेस्ट नंबर हमें तो पता है बट लार्जेस्ट लार्जेस्ट हम बता नहीं सकते ठीक है बिकॉज अनगिनत नंबर है हमारे पास तो लार्जेस्ट हम बता नहीं सकेंगे लेकिन कितने हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं तो हम लिखेंगे देयर इन फाइनाइट नेचुरल नंबर्स ये पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं बस मैं आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूं आप ध्यान में रखना टाइम टू टाइम इसे रिवीजन करते रहना ठीक है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन एंड देर आर इन्फेनाइट नेचुरल नंबर दैट इज देर आर इन्फाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते कितने नेचुरल नंबर हैं हमारे पास ठीक है ना चलिए और दूसरा आता है हमारा होल नंबर होल नंबर्स बच्चों होल नंबर्स होते हैं जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर्स को काउंट करेंगे तो दे दैट विल बी कॉल एज योर होल नंबर्स ठीक है ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो ऑल काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स क्या है सारा काउंटिंग नंबर्स हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो अलॉन्ग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स ओके फॉर एग्जाम्पल For example, 0 along with all the natural numbers 1, 2, 3, dash dash dash, and so on. Here, there are infinite number of whole numbers. Now, the smallest, important point is clicking here smallest, smallest whole number is 0. You can see here, the smallest whole number is 0. जीरो से स्टार्ट होगा होल नंबर ठीक है जीरो के साथ साथ सारा नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से इसीलिए नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा आएगा वन ठीक है होल नंबर स्टार्ट होगा जीरो से ठीक है ना जीरो से स्टार्ट होगा तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा जीरो सेकेंड पॉइंट में आप इसी को डालोगे देर आर इन्फाइट नंबर ऑफ देर आर इन्फेनाइट होल नंबर्स ठीक है ना अच्छा है, एक और चीज होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W सिंबल से ठीक है और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से दैट मीनस दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स वी कैन से दिस फॉर्म्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दिस फॉर्म्स द सेट ऑफ होल नंबर्स ओके अप टू इंफिनिटी सेकेंड पॉइंट में आप डालोगे देर आर इंफाइटली मेनी होल नंबर्स या फिर देर आर इन्फाइट नंबर ऑफ होल नंबर्स ठीक है ना अच्छा क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर कहलाएगा ध्यान से देखो जीरो के साथ सारा नेचुरल नंबर कहलाता है होल नंबर्स। जीरो के साथ सारा का सारा नेचुरल नंबर ठीक है तो हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स क्योंकि यहां देखिए सारे नेचुरल नंबर्स को देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं ना तो होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आएंगे के साथ साथ इन नेचुरल नंबर को तोट विल बी कॉल एज योर होल नंबर इसका एग्जाम्पल आप यहां पर एक लिख सकते हो जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर ओके ये बस आप याद रखना ठीक है ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आप याद रखो जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर को मिला दो ये बन जाएगा होल नंबर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे W नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे N इज इट क्लियर अच्छा इसका जस्ट ऑपोजिट देखो जस्ट अपोजिट अगर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या देखते हैं क्या थ्री एक होल नंबर थ्री एक नेचुरल नंबर है सही है थ्री एक नेचुरल नंबर है क्या टू एक नेचुरल नंबर है यस yes. क्या वन एक नेचुरल नंबर है यस yes. क्या जीरो एक नेचुरल नंबर बनेगा नो जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर जीरो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे बट जीरो इज नॉट अ होल नंबर तो हम क्या यहां लिख सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं ना तो फोर्थ पॉइंट में डालोगे ऑल नेचुरल नंबर्स सॉरी ऑल होल नंबर्स ऑल होल नंबर्स आर नॉट नैचुरल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एग्जाम्पल क्या लिया हमने एग्जाम्पल क्या देखा हमने जीरो जीरो इज अ होल नंबर ठीक है बट दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर देख रहे हो जीरो होल नंबर तो कहलाएगा बट नेचुरल नंबर नहीं कहलाता यहां पे एग्जाम्पल लिख लेना जीरो इज नॉट अ इज नॉट अ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर ठीक है कोई भी डाउट हो तो डाउट्स को कमेंट में पूछा करो ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर एग्जाम्पल जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स थर्ड में वी हैव इंटीजर्स इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जेड के साथ इंटीजर्स बच्चों देखो इंटीजर्स क्या है जितने भी होल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं दैट इज़ नेचुरल नंबर ज़ीरो के साथ मतलब हम बोल सकते हैं सारा का सारा नंबर जो भी नंबर हम पढ़ते हैं सारा का सारा नंबर कहलाता है इंटीजर्स ठीक है मतलब उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा ज़ीरो भी आ जाएगा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा देखो ये यह यहां से यहां तक नेचुरल नंबर है जीरो भी आ जाएगा और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे इंटीजर्स में दैट आपको जो भी नंबर आपके आप सोच सकते हो जो भी नंबर आप सोच सकते हो वो सारा सारा का सारा नंबर एक इंटीजर कहलाता है ठीक है डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं देखो डेफिनेशन लिखने के लिए यहां देखो ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स देखो ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो

फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री के बाद माइनस टू फिर माइनस वन फिर ज़ीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री डैश 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 देखो इससे इसके इससे पहले भी कुछ नंबर्स आएंगे इसके बाद भी कुछ नंबर्स आएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या नंबर आ गया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक देखो ये मेरे पास आ गया नेचुरल नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से ठीक है ना और ये आपका है जीरो के साथ ये पूरा कहलाएगा जीरो के साथ ये पूरा कहलाएगा होल नंबर ठीक है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे w से दिख रहा है आपको ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स नंबर्स या फिर ऑल काउंटिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स ठीक है ना तो दीज आर कॉल्ड एज योर इंटीजर्स अब देखिए यहां से यहां तक सब तो होल नंबर लेकिन ये पूरा का पूरा ये ये पूरा का पूरा कहलाता है इंटीजर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ तो देख रहे हो देख रहे हो ना क्या क्या आ रहा है क्या यहां पे सारा नेचुरल नंबर इंटीजर कहलाएगा देखो सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर आ गया जीरो भी इसके अंदर आ गया नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ गया तो पॉइंट वाइज अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास सबसे लीस्ट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल सॉरी सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा हमारे पास बताइए देखकर बता ही नहीं सकते सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा क्योंकि यहां देखो जीरो से छोटा अगर हम बोले जीरो हमारा सबसे छोटा इंटीजर है तो जीरो से छोटा है माइनस वन नेगेटिव लग गया है ना तो नेगेटिव वाला टर्म माइनस छोटा होता है जीरो से छोटा है माइनस वन माइनस वन से छोटा है माइनस टू माइनस टू से छोटा है माइनस थ्री माइनस थ्री से छोटा फिर आगे बढ़ोगे माइनस फोर आ जाएगा माइनस फोर से छोटा फिर आगे बढ़िएगा माइनस फाइव आ जाएगा तो ये नंबर कंटिन्यू है ये अनस्टॉपेबल है या ये खत्म नहीं हो रहा है ठीक है ये खत्म नहीं होगा कहीं भी तो ये नंबर तो बढ़ता जा रहा है तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते कि लीस्ट नंबर कौन सा होगा इसमें ठीक है उसी तरह हम नहीं बता पाएंगे इसका हाइएस्ट नंबर कौन होगा मतलब लीस्ट इंटीजर हम नहीं बता सकते और हाइएस्ट लार्जेस्ट इंटीजर नहीं बता सकते ठीक है ना मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे और ग्रेटेस्ट uh, इंटीजर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है ठीक है सबसे पहले हम लिखें क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा या नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा जीरो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है तो बच्चों यहां ध्यान से देखो जीरो इज ना पॉजिटिव, नाइ द पॉजिटिव नॉर नॉर नेगेटिव इंटीजर ठीक है जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है ना ही नेगेटिव इंटीजर कहलाता है ठीक है ना उसके बाद पॉइंट देखो देर आर इंफाइट नंबर ऑफ देर आर इन्फाइनाइटली मैनी इंटीजर्स देर आर इन्फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। समझ आ रहा है उसी तरह क्या सारा का सारा होल नंबर्स इंटीजर कहलाएगा यस, yes, देखो ये पूरा इंटीजर है ये यहां से यहां तक सारा का सारा इंटीजर है तो इस इंटीजर में क्या आ रहा है नेचुरल नंबर नंबर भी भी आ रहा भी आ रहा रहा है है होल तो लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स बोलो समझ आ गया समझ आ गया फिर से देखो फिर से देख लो इसे इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं आप ऐसा नंबर जो भी नंबर आप सोच पाते हो माइनस हंड्रेड वन वन लैख माइनस वन लैख माइनस फिफ्टी टू माइनस एटी नाइन एटी नाइन फिफ्टी टू सिक्सटी फोर कुछ भी नंबर आप सोचो खुद से तो वो सारा का सारा नंबर कहलाता है इंटीजर इंटीजर के अंदर जीरो भी आएगा ठीक है ना जीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे ना ही नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे क्लियर है उसी तरह देखिए अगर इसका डेफिनेशन लिखना है इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से कैपिटल से ऑल नेचुरल नेचुरल नंबर 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 और numbers, और काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ आर कॉल्ड एज इंटीजर्स तो इंटीजर्स का एग्जाम्पल हमारे पास यहां है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री अच्छा आपसे पूछ दिया जाए माइनस टू थ्री और माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू में बड़ा वैल्यू कौन है बड़ा कौन है देखो अगर किसी वैल्यू के आगे आप नेगेटिव साइन लगा देते हो वो वैल्यू छोटा बन जाता है अगर आपके पास ट्वेंटी थ्री है और ट्वेंटी टू है आपसे पूछो पूछा जाएगा बताइए आप ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी टू में ग्रेटर कौन है बड़ा कौन है तो आप सिंपली बोल सकते हो ट्वेंटी थ्री बड़ा है ऑब्वियसली है ना लेकिन अगर इसी के आगे नेगेटिव लगा दिया जाए दोनों को आगे तो दोनों के आगे जब नेगेटिव लग गया तो ये साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव के साथ अगर छोटा नंबर है तो वो ग्रेटर हो जाता है जैसे यहां देखो नेगेटिव के साथ ये छोटा नंबर है तो ये नंबर इससे बड़ा है ठीक है ना ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा उसी तरह माइनस फोर और माइनस थ्री में बड़ा कौन है तो जो वैल्यू छोटा होता है सिर्फ वैल्यू देखो माइनस हटाकर वैल्यू देखना जो नेगेटिव के साथ हटाकर वैल्यू आ जाए जैसे थ्री नेगेटिव हटाओगे कि थ्री आ जाएगा थ्री छोटा है थ्री थ्री uh, और फोर में छोटा कौन है थ्री है क्लियर है अब माइनस लगा दो दोनों साइड माइनस लगाने से आपको दिखेगा ये माइनस फोर हो जाएगा ये माइनस थ्री हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास थ्री और ये है मेरे पास फोर ये नेगेटिव नहीं लगा इसके सामने आपसे पूछा जाए कौन बड़ा है तो आप बोलोगे फोर बड़ा है इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए फोर बड़ा है अब इसी में माइनस लगा देंगे और पूछेंगे कौन बड़ा है इन दोनों में तो जिसका वैल्यू सबसे छोटा है वो बड़ा हो जाएगा देखो वैल्यू इसका छोटा है ना तो ये अब बड़ा हो जाएगा नेगेटिव लगाने से यह बड़ा हो गया समझ आ गया ना नेगेटिव के साथ किस तरह खेलना है चलिए आगे देखिए यहां पे देखो नेचुरल नंबर आ जाता है इंटीजर में होल नंबर आ जाता है इंटीजर में और नेगेटिव ऑफ सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं इंटीजर में आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है ठीक है अच्छा इस पूरे नंबर्स को नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स इवन नंबर ऑड नंबर तो आता ही होगा ना इवन नंबर देखो यही बता दे रहा हूँ इवन नंबर क्या होता है इवन नंबर ऐसा होता है जो टू के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करते हैं जैसे टू फोर सिक्स एट टू के मल्टीपल्स हो उन्हें इवन नंबर्स बोलेंगे जैसे टू आ गया फोर आ गया सिक्स आ गया एट टेन एंड सो ऑन तो ये सारे टू के मल्टीपल्स है means, 2 के टेबल में ये सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे तो इन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे इवन नंबर्स ठीक है इवन नंबर्स ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते फॉर एग्जाम्पल वन थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन एंड सो ऑन अच्छा इन सारे नंबर्स को देखो क्या आप टू का टेबल में जब आप टू का टेबल बोलोगे तो क्या ये ये नंबर्स आएंगे क्या टू वन ज़ारो टू 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 ज़ारा फोर तो ये सारे नंबर्स आ रहे हैं बट ये नंबर्स तो नहीं आ रहे तो इन इस नंबर्स को इन नंबर्स को हम कहेंगे ऑड नंबर्स इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इसी तरह आता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ठीक है प्राइम नंबर एंड कंपोज़िट नंबर देखो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो ठीक है जैसे आगे आपका टू ठीक है थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो किसी के पास भी दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा मतलब देखो टू किससे किससे डिविजिबल है या तो वन से वन टू जर टू या टू खुद से टू वन जार टू उसी तरह थ्री थ्री भी वन थ्री थ्री या थ्री वन जर थ्री फाइव सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल है सेवन भी सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल है one से और अपने आप से ठीक है उसी तरह इलेवन इलेवन भी सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल है वन से और खुद इलेवन अपने आप से तो इन सारे नंबर्स को वी कॉल कॉल भी कॉलिटाइज प्राइम नंबर सिमिलरली इसका ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर्स कंपोजिट

जैसे आपका सिक्स सिक्स प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है ये चेक करने के लिए आप चेक करो सिक्स के पास कितना फैक्टर्स है पहला फैक्टर तो वन ठीक है क्योंकि वन के टेबल में सिक्स आएगा वन इंटू सिक्स सिक्स दूसरा फैक्टर इसका है टू टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स टू के टेबल में आता है सिक्स तीसरा फैक्टर है थ्री थ्री के टेबल में भी सिक्स आएगा उसी तरह सिक्स के टेबल में भी सिक्स आएगा तो कितना फैक्टर हो गया वन टू थ्री फोर सिक्स के पास ये टोटल फोर फैक्टर्स हैं तो इस इस टाइप के नंबर्स को वी कॉल इट एज कंपोजिट नंबर्स अच्छा वन क्या है वन प्राइम है या कंपोजिट वन तो इसे नोट डालकर लिखोगे नोट डालकर बोल्ड लेटर्स में लिखोगे वन इज नाइदर प्राइम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोल्ड लेटर्स में लिखो इसे नोट डालकर ठीक है आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं मेरे पास कुछ नंबर्स हैं आप बताना है इन, इनमें से प्राइम कौन है और कंपोजिट कौन है मैं आपको नंबर दे रहा हूं थ्री एटीन नाइनटीन इन तीनों नंबर्स में आप बताओ प्राइम नंबर्स कौन कौन है और कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं चलो, हो गया देखो प्राइम नंबर्स के लिए क्या हमें पता पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए उनका फैक्टर्स कितना है प्राइम प्राइम नंबर्स नंबर्स के लिए आपको पता है ओनली टू फैक्टर्स ओनली टू फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होना चाहिए कंपोजिट नंबर के पास मोर देन टू फैक्टर्स मोर देन टू फैक्टर्स क्लियर है कंपोजिट नंबर दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स प्राइम नंबर दे हैव ओनली टू फैक्टर्स अब देखिए थ्री थ्री का फैक्टर देखो क्या क्या है वन इंटू थ्री आता है थ्री एक और फैक्टर है इसका यस थ्री अपने टेबल में खुद आएगा दैट इज थ्री वन तो इसका एक फैक्टर दो फैक्टर और कोई फैक्टर आएगा थ्री का कोई नहीं आने वाला उसी तरह 18 का कितना फैक्टर्स बनेगा देखिए 18 का 1 के टेबल में तो 18 आएगा ही वन इंटू एटीन इज 18 उसी तरह 2 इंटू नाइन इज 18 सिमिलरली 3 इंटू सिक्स इज एटीन सिमिलरली सिक्स इंटू थ्री इज एटीन और आएगा क्या और आएगा ठीक है सिक्स इंटू एट इज सिक्स इंटू थ्री इज एटीन सिक्स के पास सेवन एट नाइन नाइन इंटू टू इज नाइन इंटू टू इज एटीन तो टोटल कितने फैक्टर्स गए देखो वन टू थ्री फोर फाइव तो एटीन तो के पास टोटल फाइव फैक्टर्स हैं थ्री के पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं नाइनटीन के पास कितने फैक्टर्स होंगे वन इंटू नाइनटीन और नाइनटीन इंटू वन यही होगा ना नाइनटी वन इंटू नाइनटीन इज नाइनटीन इंटू वन इज नाइनटीन इसके पास दो फैक्टर्स देखो थ्री के पास दो फैक्टर्स नाइनटीन के पास भी दो फैक्टर्स तो थ्री एंड नाइनटीन थ्री एंड नाइनटीन दीज आर प्राइम नंबर्स दीज आर प्राइम नंबर्स क्लियर है उसी तरह एटीन एटीन के पास वन टू थ्री फोर फाइव मोर देन टू फैक्टर्स आ गया मोर देन टू फैक्टर्स तो ये एटीन क्या हो जाएगा एटीन इज अ अग्जाम्पल ऑफ एटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर्स बोलो समझ आ गया समझ आ गया ना इवन ऑड का समझ आ गया इवन ऐसे नंबर्स होंगे जो टू से टू के मल्टीपल्स होंगे मल्टीपल्स ऑफ लिखते चले जाओ सबको मल्टीपल्स ऑफ ऑफ मल्टीपल्स इवन नंबर्स होते हैं टू के मल्टीपल जैसे हंड्रेड क्या हंड्रेड टू के मल्टीपल्स में आता है हंड्रेड क्या टू का मल्टीपल है या नहीं देखो हंड्रेड टू से डिवाइड कर देंगे इसे टू फाइव टेन जीरो देखो मल्टीपल है तभी तो कटा मतलब

They are not the multiples of टू जो टू का मल्टीपल ना हो उसे कहेंगे ऑड नंबर और जो टू का मल्टीपल हो उसे कहेंगे इवन नंबर प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हो दो से ज्यादा फैक्टर्स इसके पास नहीं होगा वन एंड द नंबर इट कौन कौन से फैक्टर्स होंगे या तो वन होगा उसका फैक्टर देखो या तो वन होगा या तो वो खुद अपना फैक्टर बनाएगा जैसे यहां देखिए टू का फैक्टर क्या होगा वन या फिर टू अपना खुद थ्री का फैक्टर वन या फिर थ्री अपना खुद और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे ठीक है ना चलिए उसके बाद हमने देखा था One क्या है? इज़ अ प्राइम नहीं रहेगा ये सारा चीज तो आप भूल सकते हो ठीक है भूल जाओगे क्योंकि देखो जब तक रिविजन में रहेगा तब तक आप याद रखोगे रिविजन छोड़ दोगे तो सब कुछ भूल जाओगे और ये सारी बातें ऐसी कि आप जब आप नाइन्थ क्लास से निकलोगे टेंथ में जाओगे या फिर कहीं भी चले जाओगे फिर आप और uh, किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एस या फिर आप किसी भी यूपीएससी जेपीएससी कहीं भी कुछ पढ़ाई करो तो इन नंबर्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए ठीक है ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर सकोगे वहाँ पे क्वेश्चन तो ये आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाला है इसीलिए कहीं एक जगह अच्छे से रखो इसको लिख करके और इसे टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहो ठीक है ना चलिए तो इसके बाद देख लेते हैं हम नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ गिवन नंबर लाइन इसे कॉपी कर लो पहले इतना ओके okay, स्टूडेंट्स तो अब हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन देखो नंबर लाइन क्या है पहले समझो नंबर लाइन बहुत लोगों को तो डर लगता होगा इससे कि सर नंबर लाइन है पता नहीं क्या होगा नंबर को रिप्रेजेंट करना तो आता ही नहीं है फ्रैक्शन को किस तरह नंबर सब कुछ सिंपल हो जाएगा क्योंकि यहां पे कौन है मैं हूं पढ़ा रहा हूं ना आपको सब कुछ सिंपल हो जाएगा घबराना नहीं है देखिए नंबर लाइन क्या होता है नंबर लाइन इज आ मन गढ़ कहानी ठीक है नंबर लाइन क्या है सच में मन गणत है सच में ट्रस्ट करो यकीन करो मनगणंत कहानी है कुछ नहीं है ये नंबर लाइन सिर्फ एक आपका इमेजिनरी कंसेप्ट है मन गणंत है सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है मन गढ़ कहानी है ये चलिए देखते हैं क्यों ये मनगढ़ कहानी है तो नंबर्स तो हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीरियर्स हमने पढ़ रखा है तो इन सारे नंबर्स को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें ऐसा रियल में कुछ लाइन वाइन होता नहीं है भैया बता दे रहा हूँ पहले से ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता कि रियल में एक लाइन है उसके ऊपर नंबर्स पड़े हुए हैं दो तीन चार जीरो भी पड़ा हुआ है माइनस हंड्रेड भी पड़ा हुआ है इस तरह कुछ नंबर वगम होता नहीं है ठीक है ये बस एक मन कहानी है फुल cool सिलेबस में इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है ये चीज़ ठीक है कुछ मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया होगा इसे तो चलो देख लेते हैं नंबर लाइन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ये रहा मेरा नंबर लाइन ठीक है हम इस नंबर पे ठीक है मान लेते हैं कि हमारा लाइन है एक्स वाई ये लाइन कौन सा है एक्स वाई क्या रियल में ऐसा कोई लाइन होता है नहीं रियल में ऐसा कोई लाइन नहीं होता मन गढ़ंत मैंने बताया ना लिख लो ऊपर कॉपी में मन गढ़ंत चलो देखो दिस इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन दैट इज ओ ओ मीनस जीरो ऑरिजिन बोलो जीरो बोलो ठीक है ये रहा ओ इससे इधर जाओगे पॉजिटिव नंबर्स इससे पीछे आओगे नेगेटिव नंबर्स ठीक है तो हम इक्वल डिस्टेंसिस पे ट्राई करते हैं सारे नंबर्स को प्लॉट करने का तो इससे आगे इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे वन फिर जितना ही डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए ठीक है ये जितना रहेगा स्केल से मेजर कर लेना क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं तो मैं अपना अंदाजा से कर रहा हूं यहां पे देखो यहां पे क्या करना है आपको ये जितना यूनिट है जो भी डिस्टेंस ये होगा इसका जो डिस्टेंस हो जीरो से वन जीरो से लेकर वन तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आगे आपको ले जाना है तो उसी तरह टू थ्री फोर फाइव चलो फाइव तक प्लॉट करता हूं इक्वल तो दिख रहा है ना सब चलो ठीक है नहीं भी इक्वल दिख रहा होगा तो बना लेना खुद से फाइव फाइव सेंटीमीटर्स के बीच आप रख लो आ जाएगा आपका सही अब यहां से आगे बढ़ेंगे देखो जीरो से आगे जब इधर बढ़ोगे सारे पॉजिटिव नंबर्स नंबर मतलब जीरो से राइट हैंड साइड जब बढ़िएगा आगे राइट हैंड साइड आर एच एस इधर जब बढ़ोगे आप तो पॉजिटिव नंबर्स लिखना है ठीक है कौन सा नंबर्स लिखना है पॉजिटिव नंबर्स अब जीरो से इस साइड आगे बढ़ोगे इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस आर एच एस एल एच एस राइट हैंड साइड लेफ्टाइड तो यहाँ हम प्लॉट करेंगे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को जीरो से इधर हम प्लॉट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे दिस इज माइनस वन दिस इज माइनस टू दिस इज माइनस थ्री कितना तक जाना है माइनस फाइव तक माइनस फोर एंड माइनस फाइव यहाँ इक्वल डिस्टेंस लेना बच्चों बार बार मैं बता रहा हूं यहां पे आपको इक्वल डिस्टेंस पे रखना है सारे नंबर्स को ठीक है दो नंबर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा चेंज नहीं होगा ठीक है ना यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ये जो डिस्टेंस है आपका ये डिस्टेंस ये फिक्सड रहेगा इसे चेंज मत करना सारा में फिक्स रहेगा ये तो देखिए ये यही कहलाता है नंबर लाइन ठीक है अच्छा क्या रीजन है यहाँ हेड लगाने का यहां पे आपने एरो हेड लगा दिया सर यहां पे आपने एरो हेड लगा दिया सर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों एरो हेड का मतलब होता है कि ये नंबर लाइन को आप स्ट्रेच कर सकते हो एंडलेसली आप इसे एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हो इस डायरेक्शन में इसे भी आप एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हो इस डायरेक्शन में ठीक है वाई बिकॉज वी नो दैट हमारे पास कोई भी फिक्स्ड नेचुरल नंबर्स नहीं है नेचुरल नंबर इन्फनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जा सकता है वो यहां से वह कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का सिंबल तो पता है ना आपको अब आप मैथ साइंस फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हो क्लास नाइन्थ में तो आप समझ लो अब इन्फिनिटी होता है, क्या है इन्फिनिटी होता है ऐसा चीज जिसे हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है जो बहुत ही दूर में हो जैसे आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो आपको नहीं पता बहुत सारे नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी इन्फिनिटी का एक कंसेप्ट है ठीक है आपसे पूछा जाए आप जो स्टार्स देख रहे हो वो कितना दूरी पर ऐसा है तो हम मेज़र कर सकते हैं बस एक कंसेप्ट बताने के लिए कंसेप्ट uh, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको आपके स्टार्स देख रहे हो रात में ऊपर आसमान में आप स्टार्स देख रहे हो आपसे पूछा जाए स्टार्स कितनी दूरी पे हैं तो आप बोलोगे इन्फिटी इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर बहुत दूर जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते ठीक है थीके? बहुत दूर होता है वो इन्फिनिटी ठीक है चलिए देखिए तो आप इस आप हर एक एंड को नंबर लाइन के हर एक एंड को वाई को आप एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हो उस डायरेक्शन में एक्स को आप एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हो इस डायरेक्शन में तो ये पूरा होता है नंबर लाइन ओके रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन ये कहलाता है नंबर लाइन अब अच्छा देखो इस पूरे नंबर लाइन में हम देखते हैं कौन कौन से नंबर है देखिए यहां से यहां तक आप बताइए कौन सा नंबर दिख रहा है आपको ये नंबर क्या नेचुरल नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव ये है काउंटिंग नंबर्स डिनोट करते हैं इसे कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को सारे नेचुरल नंबर्स को वी डिनोट इट विथ अ कैपिटल लेटर एन वन टू थ्री फोर फाइव ये काउंटिंग नंबर्स हैं कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स अच्छा देखो जीरो के साथ नेचुरल नंबर जीरो प्लस नेचुरल नंबर ये क्या कहलाता था बताइए क्या कहलाता था जीरो के साथ सारा नेचुरल नंबर कहलाता था होल नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से सिंबल इसका है डब्ल्यू पूरा का पूरा नेगेटिव जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहलाता है सारा का सारा कहलाता है इंटीजर. तो इसे हम कह सकते हैं ये सारा का सारा हमारा है इंटीजर जेड बोलो देखो समझ आ गया ना सारा का सारा नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया जीरो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव दे आर कॉल एज नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ ये नेचुरल नंबर्स विल बी कॉल एज योर होल नंबर्स होल नंबर्स के साथ जितने भी नेगेटिव हैं जीरो है सॉरी जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जीरो हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं इंटीजर्स एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन या फिर आप बोल सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं वन क्या है इज एन माइनस फाइव इज एन इंटीजर तो इस तरह से आप नंबर लाइन में ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है चलिए तो इसके बाद हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर्स